आइए बच्चे, आज हम लोग सेकेंड सेट जो अकाउंट्स का आया हुआ है ना, ठीक है, उसका अकाउंट्स पेपर का। पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस थे उसको हम लोग देख लिए। अब आज हम लोग करने वाले हैं 4 मार्क्स वाले जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आज हम लोग इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बस एक और पार्ट बच जाएगा जिसमें हम लोग 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देख लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाला। देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट गिव 4 डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच का हमको 4 अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर 4 से ज्यादा अंतर लिख दिया, आप कोई 4 लिख लीजिएगा इसमें, लेकिन चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक तरह से ये रिवीजन के तरह हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन अगर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ दे तो 8-10 भी लिख सकते हैं, इसलिए हालांकि आप इसमें से कोई भी 4 लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। पहली बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पहला है यहाँ पर हमने बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखा है, किस आधार पर अंतर है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। पहला तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है, टाइप है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। वहीं आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल डिफरेंस है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है, इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश बुक के तरह से बनता है ना, और ये है समरी ऑफ कैश कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। वहीं आपका जो क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये जो बनता है कैश ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, या कह सकते हैं कैश बुक की तरह से बनता है, ठीक है, और ये जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनता है। इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर इन द फाइंड द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सरप्लस और डेफिसिट को पता करने के लिए पीएल अकाउंट की तरह से बनता है, और ये कैसे बनता है, कैश ट्रांजेक्शन इसमें लिखा जा सकता है, या इसमें आप लिख सकते हैं कि कैश बुक की तरह से बनता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म है ना, ठीक है, इसमें रिसिप्ट वेयर रिटेन इन द डेबिट साइड और पेमेंट वेयर रिटेन इन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है पेमेंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है, और इनकम और गेन्स को क्रेडिट में दिखाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में होता है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में होता है पेमेंट, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में होता है इनकम और गेन, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट का, ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखा जाता है, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक और ओवरड्राफ्ट को लिखा जाता है, ठीक है। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कैश और बैंक बैलेंस, है ना, और क्लोजिंग कैश बैंक या ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, ये होता है पहली बात। अब इनकम एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज नॉट एक्युमुलेटेड, मतलब इसमें तो पहली बात तो ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है, और क्लोजिंग जो बैलेंस होता है उसको सरप्लस या डेफिसिट के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा, अकाउंटिंग मेथड देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश बेसिस पर बनता है, पेमेंट अकाउंट जो बनता है बेस्ड ऑन द कैश सिस्टम अकाउंटिंग, जबकि ये एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर बनता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग एडजस्टमेंट को भी लेके चलते हैं, द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेयर मेड इन द अकाउंट, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, इसमें कैश नॉन कैश सभी तरह के ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, जिसमें रेंट मिला वो भी लिखाता है, डेप्रिसिएशन भी लिखाता है, तो कैश आइटम नॉन कैश आइटम सब लिखा जाता है, लेकिन इसमें ओनली कैश आइटम लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल और रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के आइटम को भी लिखा जाता है एज वेल एज रेवेन्यू नेचर के भी आइटम को लिखा जाता है। आइटम ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर बोथ आर शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हालांकि मैंने 8 पॉइंट बता दिए, 4 ही पूछा था, कोई भी 4 इसमें से लिख लीजिएगा, है ना, ठीक है, और हो सकता है अगर कभी 8 पूछ दे तो 8 का काम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा में कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 7:3। एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं, 7:3 में। नया पार्टनर जेड आया जिसको कितना, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा द न्यू पार्टनर जेड, यहाँ पर जेड होना चाहिए था इंग्लिश में, जो
स्टेट पेपर में मिसप्रिंटिंग है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। जेड नया पार्टनर आया, कौन आया? जेड नया पार्टनर आया जो कि 1/10 शेयर किससे लिया? एक्स से। एक्स वाई पार्टनर थे, प्रॉफिट 73 में पार्टते थे। नया पार्टनर जो जेड आया जिसको कितना शेयर मिला? 1/3 शेयर किससे? 1/10 शेयर किससे? एक्स से लिया। इंटायरली, इंटायरली का मतलब होता पूर्णता, पूरा का पूरा किससे लिया? एक्स से लिया। ठीक है, तो पहले कौन कौन पार्टनर थे? एक्स वाई, प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 7:3 में। नया पार्टनर कौन आया? जेड। जेड को कितना हिस्सा मिला? 1/10। और ये इंटायरली मतलब पूर्णता किससे लिया? एक्स से लिया। तो आपसे बोला है कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है, वन और टू। पहले हम वन की बात कर रहे हैं, न्यू रेशियो निकालने बोला गया। तो देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। पहला वन का आंसर देख लीजिए, पहले कौन कौन पार्टनर थे? एक्स और वाई, प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 7:3 में। नया पार्टनर कौन आया? जेड। कितना शेयर मिला? 1/10। और ये किससे लिया? इंटायरली एक्स से। तो सवाल है कि जेड को ये हिस्सा किससे मिला? एक्स से मिला, मतलब सेक्रीफाई किसने किया? एक्स ने किया, है ना? ठीक है, सेक्रीफाई करने वाले सिंगल वन पर्सन कौन है? एक्स। तो एक्स किया सेक्रीफाई 1/10। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाई, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड इसका 7/10 था, इसका 3/10 था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखिए सेक्रीफाई किसने किया? एक्स ने। एक्स का शेयर क्या हो गया? कम हो गया। तो अब एक्स का नया शेयर हो गया 6/10 और जेड का शेयर हो गया 1/10। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड दिनों का। एक का आया देखिए यहाँ पर, एक का आया 6/10, दूसरे का 3/10। यहाँ देखिए 6/10, 3/10 और 1/10, यानी रेशियो विल बी 6:3:1। ये हो गया आंसर। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और भी बोला है, ध्यान दीजिएगा, एडमिशन से रिलेटेड है। 2 नंबर पॉइंट, ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 3:2 में। ए बी पार्टनर थे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था कैसे बांटते थे? 3:2 में। नया पार्टनर कौन आया? सी। कितना मिला? 1/5 शेयर किससे लिया? बी से। ए बी पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट बांटते थे, नया पार्टनर सी आया, 1/5 शेयर मिला किससे? बी से। आइए देखिए यहाँ पर कैसे बनाया मैंने। पहले ओल्ड रेशियो पे एन बी कितना था? 3:2। ठीक है, नया पार्टनर कौन आया? सी। कितना शेयर मिला? 1/5 किससे? बी से लिया। तो सी को ये जो भी हिस्सा मिला वो किससे मिला है? बी से ही मिला। तो सेक्रीफाई कौन किया? दिया कौन? त्याग कौन किया? बी। तो बी ने सेक्रीफाई किया 1/5। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। ठीक है, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, तो देखिए ओल्ड क्या था? एक का ओल्ड था 3/5 और एक का ओल्ड था कितना? 2/5, है ना? ठीक है, अच्छा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, पहले से 3:2 था तो इसका ओल्ड था 3/5, इसका था 2/5 और बी ने सेक्रीफाई किया 1/5, तो इसका हिस्सा हो गया 1/5 और सी को ये 1/5 मिल गया। तो न्यू रेशियो 3/5, 1/5, 1/5, यानी 3:1:1, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट ही होगा, नहीं नहीं दो क्वेश्चन और है, लास्ट नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए कि एक्स वाई जेड जो है थ्री पार्टनर है, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 2:1 में। कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई और जेड, प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं? 2:1 में। वाई रिटायर हो गया, वाई क्या हो गया? रिटायर। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, प्रॉफिट बांटते थे 2:2:1 में। वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया मतलब वाई अपना शेयर क्या किया? सेक्रीफाई कर गया। और जिस दिन वाई रिटायर हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यूएशन किया गया? 60,000 निकाला गया। ठीक है, पहले से कोई नो गुडविल अकाउंट अपेयर इन द बुक्स, पहले से कोई गुडविल नहीं है, अगर होता तो वो राइट ऑफ होता। तो जर्नल एंट्री करना है गुडविल के लिए, जबकि एडजस्टमेंट होगा किसके थ्रू? कैपिटल के थ्रू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई जेड एक फर्म में पार्टनर थे, प्रॉफिट 2:1 में बांटते थे, वाई रिटायर हो गया और जिस दिन वाई रिटायर हो रहा है फर्म का गुडविल कितना है? 60,000, पहले से गुडविल नहीं है। ठीक है, और एंट्री करना है गुडविल के लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर सिंपल सवाल है, कौन कौन पार्टनर थे? एक्स वाई जेड, प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 2:1 में। चूंकि वाई रिटायर हुआ मतलब वाई क्या किया? सैक्रिफाई। कितना? 2/5। अब वाई से अब गुडविल कितना होगा? देखो पूरे फर्म का गुडविल 60,000 निकला है और वाई सैक्रिफाई कर रहा है कितना? 2/5, यानी कितना वाई को कितना मिलेगा? 24,000। 60,000 का 2/5 इसको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, है ना? ठीक है, जो सैक्रिफाई करता है उसको पैसा मिलता है, जो रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाई करता है। क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है मतलब अपना हिस्सा त्याग कर रहा है, दे दे रहा है, और ये दे दे रहा है तो बदले में उसको पैसा मिलेगा कितना? गुडविल का जितना सेक्रीफाई कर रहा है मल्टीप्लाई करके 24,000। अब सवाल है कि ये पैसा देगा कौन? जो इसके शेयर को गेन किया, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब जैसे वाई तो रिटायर हो गया तो बचा कौन? एक्स और जेड का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू क्या है? 2/3 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2/3 और 1/3 और ओल्ड कितना था? 2/5 और 1/5, है ना? ठीक है, माइनस करके ये देख लीजिएगा, ये आपका आ गया, यहाँ से गेनिंग रेशियो निकल गया कितना? 2:1। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर में देखा कि 24,000 रुपया मिलना है किसको?
वाई को देगा कौन? सर देगा एक्स और जेड। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो 24,000 इंटू 2/3 यानी 16,000 ये देगा, 24,000 इंटू 1/3 8,000 ये देगा। जनरल एंट्री क्या होगा? कौन कौन देने वाला है? एक्स और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 16,000। वाई क्या? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 और वाई को पैसा मिला कितना? 24,000। कहानी खत्म। समझ में आ गया? ओके ठीक है। अच्छा अब एक और लास्ट सवाल है यहाँ पर कि करंट रेशियो दिया हुआ है 2:5 है ना। किसी बिजनेस का करंट रेशियो कितना है? 2:5। वर्किंग कैपिटल है 60,000। तो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये दो याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले करंट रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2.5। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था? सी ए बाई सी एल बराबर 2.5। तो यहाँ से सी ए सी एल जो डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? 2.5 सी एल इक्वेशन नंबर 1। तो करंट लाइबिलिटी बराबर क्या हो गया? करंट असेट बराबर क्या हो गया? 2.5 करंट लाइबिलिटी। अब आ रहे आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी बराबर 60,000। करंट असेट की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 2.5 करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी की जगह पर करंट लाइबिलिटी बराबर कितना? 60,000। अब देखिए 2.5 करंट लाइबिलिटी में से 1.5 करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, सॉरी 1 करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? 60,000। तो करंट लाइबिलिटी बराबर क्या होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कितना? 40,000। फिर से एक बार हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था करंट रेशियो है 2.5। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला सी ए बाई सी एल इक्वल टू 2.5। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा? ये करंट लाइबिलिटी जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी। ओके, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 60,000। फॉर्मूला क्या होता है? सी ए माइनस सी एल बराबर 60,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा वर्किंग कैपिटल की जगह पर सी ए माइनस सी एल लिख दिया नीचे में। अभी हम लोगों ने देखा है कि सी ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.5 सी एल। तो 2.5 सी एल माइनस 1 सी एल बराबर कितना? 60,000। तो 2.5 सी एल में से 1 सी एल माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 करंट लाइबिलिटी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से 1 करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिया बराबर कितना हो गया? 60,000। यानी 1.5 करंट लाइबिलिटी बराबर 60,000, तो करंट लाइबिलिटी बराबर कितना हो गया? 40,000। तो करंट लाइबिलिटी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब यही जो करंट लाइबिलिटी निकला है 40,000, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? करंट असेट है ना। तो अगला स्टेप हमने यही किया है कि वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 है ना। करंट लाइबिलिटी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या था? सी ए बराबर 2.5 सा है करंट लाइबिलिटी, यानी सी ए बराबर 2.5 इंटू 40,000 यानी कितना हो गया? 1,00,000। तो यह आपका आ गया करंट एसेट बराबर 1,00,000, करंट लाइबिलिटी बराबर 40,000। ठीक है, ओके जी, इसको बना लीजिएगा। और एक और जो बचेगा लास्ट, वो हम अगले कल वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। उसके बाद अकाउंट खत्म, और उसके बाद बीएमटी का 4 पार्ट में इसी तरह से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ओके,